आठवां दिन है रेगुलर, मेरे हस्बैंड सुबह सुबह पूजा। आशीर्वाद लो बेटा। गाइस देखो मेरा बेटा कैसे। सारे बोलो हेलो गाइस, हैप्पी नवरात्रि एंड वेलकम है आपका मेरे चैनल पे मिस्टर एमएसएम मधुमेह। सो मैं आपको बताना चाहती हूँ, देखो मैं फूल बना रही हूँ, आपको कैसा लगता है आप बताइए। और मेरे चैनल में आगे तक बने रहिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए एंड फुल सपोर्ट कीजिए एंड अपना प्यार बनाए रखिए इस छोटे यूज़र के लिए, है ना गाइस। आपके सपोर्ट से ही तो हम लोग कुछ कर सकते हैं ना, है ना गाइस। और आप सबकी नवरात्रि कैसे चल रही है आप बताइए। मेरी तो नवरात्रि बहुत अच्छी चल रही है, मैं कई दिनों से पूजा नहीं कर पा रही थी तो बस अब आठवां दिन है, नौवें दिन में कंचिका खिलानी है, अब आठवां दिन है रेगुलर, मेरे हस्बैंड सुबह सुबह पूजा कर देते थे तो मैं ब्लॉग नहीं बना पाती थी, अब मैं लास्ट अपना ब्लॉग बना रही हूँ। सॉरी, माफ़ी चाहती हूँ, बहुत दिन के बाद मेरा ब्लॉग जा रहा है, बट आप अपना सपोर्ट बनाए रखिएगा। आप देख सकते हैं मेरा फ्लावर कितना, मतलब मेरी माला कितनी अच्छी बन रही है गाइस। पता है, थोड़े से फ्लावर लिया, खुद ही माला बना लो, इतनी महंगाई हो रही है कुछ समझ ही नहीं आता है। जितना खुद कर लो उतना बहुत अच्छा रहता है, बहुत अच्छा रहता है एंड हमें थोड़ी सी हेल्प मिल जाती है अपने सपोर्ट से कुछ करो तो। बाकी गाइज आप बताइए आपकी नवरात्रि कैसे चल रही है। मेरी तो बहुत अच्छी गई और ये आठवां दिन है, अब मैं अपनी माता के लिए फूल खुद ही बनाती हूँ, उसके बाद पूजा करूँगी, फिर सुबह की आरती, शाम की आरती, मतलब ये नहीं कि आस्था में सारा टाइम निकल जाता है, बट अच्छा है, आस्था भी बनी रहनी चाहिए। और गाइज आप सब बताइए आप सब कैसे फूल बनाते हैं। और ये देखिए मेरे फ्लावर का लास्ट फाइनल लुक, ये देखिए मैंने बना दिया है, ये देखिए कैसा है गाइस, कमेंट बॉक्स में बताइए। हे गाइस, मेरा फूल बन चुका, मतलब मेरी माला बन चुकी है, अब मैं पूजा करने जा रही हूँ, अपनी माता रानी को फूल चढ़ा रही हूँ, फूल की माला पहना रही हूँ। आइए आप सब भी जुड़िए, पूजा कीजिए मेरे साथ, अब मैं सब भगवान को फूल चढ़ा के उसके बाद मैं पूजा करूँगी। गाइज आप देख सकते हैं मैं पूजा ही करने जा रही हूँ। ये मॉर्निंग की पूजा है आठवें दिन की, शाम को भी करती हूँ, शाम को भी नहा धो के पूजा करती हूँ, ये नहीं है कि बिना नहा धोए ऐसे पूजा कर लो, नहीं, क्योंकि अभी कौन सी ठंड चल रही है, गर्मी है, अच्छे से पूजा कर लो नहा धो के, अच्छा रहता है। मेरा बेटा भी बहुत पूजा करता है मेरे साथ, मतलब जब तक मैं पूजा करूंगी ना तब तक ये भी खड़ा ही रहेगा, खड़ा ही रहेगा पूजा करने के लिए। जल से दो नैना चंद्र वदननी को, ओम जय अम्बे गौरी कनक समा कले वरता वर राजे मयर वर राजे रात पुष्प गल माला कंठन पर साजे, ओम गौरी के हरिवान राज ते खड़क खपर धारी मैया खड़क खपर धारी सुर नर मुनि जन सेवत तिनके दुख हारी, ओम जय अम्बे गौरी कानन कुंडल सोभित नासा ग्रे मोती मयन ग्रे मोती कोटिक चंद्र दिवाकर संराजत ज्योति, ओम जय अम्बे गौरी सोमभुनि सोमभु विराह महिषा सुर घाती मैया महिषा सुर घाती धूम्र विलोचन नैना निस दिन मद माती, ओम जय अम्बे गौरी चंड मुंड संहारे सोणित बीज मैया सोणित बीज हरे मधुकर तपदौ मारे सुर भयहीन करे, ओम जय अम्बे गौरी ब्रह्मानी रुद्रानी तुम कमला रानी मैया तुम कमला रानी आगम निगम बखानी तुम से उपक दानी, ओम जय अम्बे गौरी 64 योग निगम श्री अम्बेज की आरती जो कोई नर गावे मैया जो नर गावे कात शिवानंद स्वामी कात हरि हरि स्वामी सुख संपत्ति घर का, ओम जय अम्बे गौरी। आप आदम जो चलिया हाँ अलविदा अलविदा करो आ गया आ गया आ गया आ गया
आशीर्वाद लो बेटा। गाइस देखो मेरा बेटा कैसे आशीर्वाद लेगा। बाबू आशीर्वाद ले लो। हाँ अच्छी कल दो दोनों हैंड से। हाँ हाँ ले लो आशीर्वाद ले लो। ये जय माता की। फिर से ले लो। हाँ ले लो। हाँ ले लो। हाँ ले लो। लो जल्दी ऐसे करो ना। गाइस देखो कैसे मेरा बेटा आशीर्वाद ले रहा है माता रानी के। वो तो माता रानी प्रसाद दो। गाइस ये नेक्स्ट डे मॉर्निंग की ब्लॉग है। माफ़ी चाहती हूँ, मैं बहुत दिन के बाद ब्लॉग बना पा रही हूँ। एंड ये सुबह उठ गई हूँ मैं 5 बजे कंचिका की तैयारी के लिए। मैंने पूजा पाठ कर लिया, मेरी पूजा ख़त्म हो चुकी है। बस मैं आलू उबालने के लिए रख दी थी और मैं बस पूजा कर रही थी। नहा धो के झाड़ू पोछा, झाड़ू तो नहीं लगाते आज के दिन, बस मैंने पोछा लगा दिया। उसके बाद आप मेरे चैनल पर बने रहिएगा एंड चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। बस ये मेरी कंचिका खाने बैठ चुकी हैं, बस इनको खिला ही रही थी मैं। गाइस आप लोगों को लगता है मैं एक ही कपड़े क्यों इतना पहनती हूँ, क्योंकि यार कंचिका खिलाना था और मैं साड़ी में या सूट में मैं काम नहीं कर पाती, इसलिए मैंने लोअर टी शर्ट पहन लिया और स्कर्ट, लॉन्ग स्कर्ट पहन लिया। मैंने सारा काम जल्दी जल्दी कर लिया। काम भी तो करना था, सुबह 5:30 बजे उठी थी, फिर खाना बनाना, रूम की सफाई तो मैंने रात में ही कर दी थी। किचन और रूम मैंने रात में ही कर दिया था। बस सुबह सुबह उठ के नहा धो के पोछा करके नहा धो के बस पूजा करके उसके बाद झाड़ू तो लगाना नहीं था, बस पोछा लगा दिया। उसके बाद जल्दी जल्दी काम करने में लग गए। आप देख सकते हैं गाइस। मेरी YouTube फैमिली कंचिका बैठ चुकी हैं, हो चुका है सब कुछ, पूजा पाठ हो चुका, खाना पीना भी हो चुका, मैंने आशीर्वाद भी ले लिए इन सबके। अब बस अब इनको विदा करने का टाइम आ गया है। मैंने कहा ये लोग बहुत जल्दी कर रहे थे, माता मेरी बहुत जल्दी जल्दी कर रही थी। मैंने कहा माता जी रुक जाओ थोड़ी देर, जल्दी जल्दी खा पी लो, अच्छे से पेट भर लो, उसके बाद जाना। तो बस मैं सोच रही थी कितनी देर बैठ जाए, जाने का मन नहीं कर रहा था। और बीच में मेरे हस्बैंड बोले फ़ोटो खिंचवा लो, सब फ़ोटो खिंचवा लो। बस हम लोग फ़ोटो खिंचवाने लग गए। अब माता रानी कह रही हैं सब जल्दी करो आंटी जल्दी करो। तारे बोलो, जोर से बोलो, मैंने सुनिया, जय माता की। अगली बार फिर आना, ठीक है माता रानी, आओगी ना फिर से? अगले साल का इतने बड़े हो जाओगे, एक ही एज तो ज्यादा होगी। मैं जय बोलो, जय माता की।